एक और नया काम 2018 में प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को आह्वान किया था। आपको ये पता होगा कि 1972 में दुनिया इकट्ठी हुई थी स्टॉकहोम में, और ये कहा था कि पर्यावरण को बचाने के लिए कठोर उपाय करने चाहिए। और 50 साल बाद जब पिछले दिनों नैरोबी में ये विषय तय हुआ, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली हुई, उसमें कहा गया कि धरती का सबसे बड़ा संकट प्लास्टिक है। तो जब हम भारत की तरफ से गए तो हमने कहा कि हमारे देश में तो वे इम्प्लीमेंटेशन के लिए नोटिफिकेशन निकाला जा चुका है, और मुझे बताते हुए खुशी है कि ये जो 1 जुलाई को हमने पूरा एक साल का समय देकर के नोटिफिकेशन निकाला है, सब लोगों ने न केवल उसका स्वागत किया है, उसमें भागीदारी देने का भी संकल्प किया है। हमारी गलियों को, हमारे नदियों को जो अब सिंगल यूज प्लास्टिक है, और हम केवल सिंगल यूज प्लास्टिक में बंद करने के लिए नहीं, हम उसके विकल्प पे भी काम कर रहे हैं। हम जो लघु उद्योग है उनके साथ विकल्प के लिए भी काम कर रहे हैं, और जो प्रोडक्शन है उसके लिए हम EPR पॉलिसी पे भी काम कर रहे हैं। पेड़ लगाना, स्वच्छता रखना, धरती को हरा भरा रखना, नई एनर्जी के लिए काम करना, साइंटिफिक एटीट्यूड के साथ दुनिया को बचाने का संकल्प करना, प्रधानमंत्री जी के इन संकल्पों को यहाँ जो बैठी हुई नौजवान पीढ़ी, मैं ये मानता हूँ अपने कैरियर के साथ, अपने भविष्य के साथ पूरा करेंगे। पूरा करेंगे नहीं करेंगे, इतना धीरे। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच।